किलो कटा के मिट्टी में लाती। हाँ जी, ठीक है। हुकूमत देखिए, वो हमेशा जिसकी सरकार आती है उसके बाद गाड़ियों पर ऐसे बनने लगे। अच्छा, छपा करेगी, छपा लग जाएगा। अभी इसका है जब ये अभी इससे पहले जब बीजेपी सरकार नहीं थी तब सपा तो ठीक था, सपा में असली राज सारण में है। ठीक है, चलेगा। पुलिस दल की एक्सरसाइज साथी में ना। हाँ साथी, यहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं, यहाँ पर देख के ऐसा लग रहा है, लेकिन बहुत ये ऐसा हादसा है कि हर जगह अचानक अचानक हुआ जा रहा है। और ये एक घटना ऐसी है जिसमें अभी सारे लोग बता रहे हैं कि जैसे ही घटना हुई वैसे ही लाइट चली गई, और सारे जितने जिन लोगों ने घटना की वो घटना करके वहीं से भाग कर निकल कर चले गए, और लाइट का तुरंत जाना लोग पैदल निकल कर आराम से चले गए, ये बड़ा शोचनीय है। तो इस तरह की घटनाएं अचानक हुई जा रही हैं, लोग भागे जा रहे हैं, और कहीं भी अगर उसने दो चार दिन पहले, ये हमारे उस मंडल के अध्यक्ष जी हैं, अगर ये थाने में जाकर कई बार ये चीज़ कह के आ रहे हैं कि उसको जान का खतरा है, उसको जान का खतरा है, और कई बार कह के आ रहे हैं, फिर भी थाना अध्यक्ष नहीं सुन रहे हैं, तो ये सोचने की बात है कि क्यों नहीं सुनी जा रही है। वो एक जनप्रतिनिधि है, उसने कई बार कहा, और हमारे मंडल के अध्यक्ष स्वयं लेके जा रहे हैं, तो सोचना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए। देखिए, ये शिव कुमार हैं जो यही धूमनगंज के क्षेत्र के रहने वाले हैं और जयंतीपुर से पार्षद भी हैं वर्तमान में। इनका गांव में ही, अपने लड़वा गांव में ही जिन लोगों से रंजिश है, आज ही अभी 8:45 के आसपास अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी से कहीं जाने के लिए अपने भतीजे के साथ जैसे ही गाड़ी पर बैठने वाले थे वैसे ही वो लोग पहले से तैयार थे, उन्होंने इनके ऊपर हमला किया, वहाँ फायरिंग हुई जिसमें इनको शिव कुमार को भी गोली लगी है, बाएं हाथ में लगी है और वहीं से सीने से टच करते हुए निकली है, और जो इनके साथ इनका भतीजा था मनीष उसके पैर में लगी हुई है। फिलहाल यहाँ इनका फर्स्ट एड हो रहा है SRN में, हम लोगों ने घटनास्थल देख लिया है, FIR आ रही है, जो लोग इस घटना को किए हैं वो चिन्हित कर लिए गए हैं, हमारी दबिश टीम गई हुई है, बहुत जल्दी हम उनको गिरफ्तार करेंगे और इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये इन लोगों का पहले से ही कोई रंजिश चली आ रही है और अभी डिटेल्स मिलना शेष है, लेकिन इनकी मुकदमेबाजी पहले से ही दोनों परिवारों को चली आ रही है। पहले भी ये जानलेवा हमले की आशंका जता चुके थे, उसके बाद भी कोई कार्रवाई? इस आशय की अगर कोई सूचना है तो इसकी मैं जांच करा लूँगा, फिलहाल अभी संज्ञान में नहीं। जिन लोगों के पे आरोप लगे हैं वो पहले जेल जा चुके हैं, उनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है और उनकी आपराधिक छवि है, तो अभी हाल फिलहाल में जल्दी ही जमानत पे भी छूट करके आए थे, इसमें से आरोपियों में से कुछ लोग अभी हाल में जमानत पे छूट करके आए थे।